पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है, बीसीसीआई की भी मात मानी गई है, दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर देम एज वेल। सो हमारे साथ इंडिया से इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता। हाय विक्रांत एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सवेरा, आई होप आप ठीक ठाक हैं। बिल्कुल खैरियत से, आप सुनाए, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। एंड विक्रांत, आई वुड से कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल, बिकॉज हम तो चाहते हैं क्रिकेट होती रहे, हमें पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले दिखते रहें, और इवेंचुअली इसी तरह हुआ कि ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यानी बहुत अच्छा है, और सवेरा हालांकि ये उछल रहा था ना, आगे पीछे लेफ्ट राइट, वहां से कुछ बात आ जाती थी, यहां से कुछ और बात चली जाती थी, बट आई थिंक ये सब जानते थे। और मैंने कई बार ये स्पोर्ट्स तक पे बोला भी था कि जो हाइब्रिड मॉडल है वो बुरा नहीं है, अगर वो मॉडल सबको पसंद आ जाए वो बुरा नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ी सी लॉजिस्टिकल दिक्कतें आएंगी, वो ब्रॉडकास्टर के साथ होगा, उसका कितना खर्चा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड सॉर्ट इट आउट। बट मैं समझता था कि पाकिस्तान के लिए शायद जरूरी था एक ये दिखाना कि भाई हम होस्ट हैं और हम अपने मुल्क में चार मैच करा सकते हैं। आई थिंक मुझे खुशी है कि कम से कम एशिया कप हो रहा है, क्योंकि सवेरे अब एशिया कप वो नहीं रहा जो किसी जमाने में हुआ करता था, और उसका क्रेडिट इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को उतना जाता है। जय शाह जब से एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ बने, आप देखिए कैसे रिवाइव हुआ है ये एशिया कप जी। और बिना इंडिया पाकिस्तान के तो मतलब एशिया कप क्या हो, वो तो फिजूल की बातें थी। और ये कहते ना, बेटर सेंस प्रिवेल्ड पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से। जैसे पाकिस्तान ने कहा जी दुबई में कराओ, बाकी बोर्ड्स ने कहा यार दुबई में इतनी गर्मी में मत कराओ, 50 ओवर के मैचेस हैं और वर्ल्ड कप से एक महीना पहले। आई थिंक जस्टिफाइड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मान गया, श्रीलंका में मजा भी आएगा। और मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपके पाकिस्तान में मैचेस हैं, इंडिया तो नहीं जाएगा, बट आई होप आप इंडियन मीडिया को अलाउ जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल सही, करना भी चाहिए, वी वुड बी डेफिनेटली वेटिंग, करना भी चाहिए। इनफैक्ट जो है यहीं इसी प्लेटफॉर्म पे, मतलब हम अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री से खुद ये रिक्वेस्ट करेंगे कि व्हाई नॉट इंडियन मीडिया शुड कम हियर एंड दे शुड कवर एशिया कप, व्हाई नॉट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजा भी आएगा क्योंकि इस साल का एशिया कप का कॉन्टेक्स्ट भी अच्छा है ना। ठीक है, अभी तक हम T20 हो रहा था, पिछले साल भी T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले हुआ, मतलब इंडिया तो कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल्स, बट आई एम श्योर क्योंकि ये इस साल आपके सब कॉन्टिनेंट में ही वर्ल्ड कप हो रहा है, मतलब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है। वर्ल्ड कप देखिए, वर्ल्ड कप ओरिजिनली 50 ओवर का था, हमने T20 को भी वर्ल्ड कप का नाम दे दिया है, वो है वर्ल्ड कप, बट वर्ल्ड कप जब आप सिर्फ वर्ल्ड कप का नाम लेंगे वो 50 ओवर का ही होगा। तो उससे ठीक एक महीना पहले अगर एशिया कप होता है, और फिर देखो जब इंडिया में अगर वर्ल्ड कप होगा तो इंडिया की टीम, पाकिस्तान की टीम, टू एन एक्सटेंट इवन श्रीलंकन टीम, ये इनके चांसेस इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा वार्म अप होगा, बहुत अच्छा ये कॉम्पिटिशन होगा। और दूसरा क्या है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आपस में सिर्फ साल में एक मैच खेलेंगे वर्ल्ड कप्स में, तो वो प्रेशर ना दोनों टीमों पर अनबियरेबल हो जाता है। पिछले साल 3 मैच तो नहीं हो पाए, होपफुली अगर इस साल फर्ज कीजिए इंडिया पाकिस्तान दोनों फाइनल में जाते हैं तो 3 मैच आप वर्ल्ड कप से पहले खेल लो उसी फॉर्मेट में, तो क्या होता है ना, वर्ल्ड कप तक आते 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 फैंस भी जो है वो कुछ हद तक इतना लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन नहीं बना देते, तो प्लेयर्स बिल्कुल बिल्कुल प्लेयर्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे, वो उसका वो कहते हैं ना आदत, थोड़ी 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 आदत हो जाएगी, एक बड़े मुकाबले से इस मुकाबले में पहले से वो ड्रेस रिहर्सल हो जाएगी। एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स हैं कि इवेंचुअली इंडिया 15 साल बाद भी एशिया कप के इनेकाद होने के बावजूद पाकिस्तान नहीं आ रहा, और आपने जय शाह का हवाला दिया कि उन्होंने एशिया कप को बड़ा किया है, आपको नहीं लगता कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, प्रोवाइडेड कि पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि यहाँ सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल कम्प्लीटली स्पॉट ऑन है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ ऑल ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स दैट हैव विजिटेड पाकिस्तान इन द लास्ट 4-5 years? आपको नहीं लगता कि जय शाह के लिए एक और अपॉर्चुनिटी थी एशिया कप को और बड़ा करने की? हाँ, उसमें पाकिस्तान का थोड़ा फायदा हो जाता, लेकिन उससे क्या जाता था, एशिया कप और बड़ा हो जाता अगर इंडिया पाकिस्तान आता। फैसल भाई, आपने एक बात बोली कि क्या जाता, मतलब आपने ऐसे बात कर दी कि मतलब वहां से टेबल से ग्लास पानी का उठाना है क्या जाता। इतनी छोटी बात नहीं है जो आप कह रहे हैं कि इंडिया भी आ जाता तो क्या जाता। आप या तो 15 साल में हुआ क्या है आप पूरी तरह अगर उसको देखें तो यू कैन कनेक्ट द डॉट्स ना। मुझे लगता है कि पहले आप कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल में हो जाए, चलो पाकिस्तान में 4 मैचेस खेल ले, अब आप कह रहे हैं इंडिया क्यों नहीं आया। तो ये तो फिर ये तो ऐसी चीज़ है ना कि आप ये आपकी जो डिमांड है या जो हमारे अंदर की सोच है वो तो नेवर एंडिंग है ना।
हम तो बहुत कुछ चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट कराई है तभी चार मैचेस वहां पे हो रहे हैं। पाकिस्तान अपनी क्रिकेट अच्छी करा रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग करा रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहें या जो मर्जी कहें, वो जय शाह और नजम सेठी साहब के हाथ में नहीं है। वो कोई आज पहली बार थोड़ी है कि आप मेरे मुंह से वो बुलवाना चाहते हैं, बट हकीकत ये है ना, वो तो सरकारों का है जी। तो उसमें एक मीडिया या एक बीसीसीआई या एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे इंडिपेंडेंटली ये कर ले कि हाँ जी चलो आ जाते हैं। लेकिन विक्रांत भाई, हालात दोनों मुल्कों के बीच, नहीं नहीं मुल्कों के बीच हालात नहीं सुधरे ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, दिस इज व्हाट नजम सेठी साहब सेड जब उन्होंने कल स्टेटमेंट दी, तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इट इज नॉट इजी फॉर जय शाह हिमसेल्फ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये लोग तो बोर्ड है ना, जो फाइनल कॉल है वो तो हेड ऑफ स्टेट्स की है। सो ये तो बात जो है उन्होंने भी रियलाइज की, सेठी साहब ने, और इस बारे में बात की। बट विक्रांत, हम इतने महीने से, ऑलमोस्ट कोई 10 महीने का ये पूरा सफर गुजरा, जहां सिर्फ एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से आई, जय शाह की तरफ से आई कि हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेंगे। अदर देन दैट कोई भी स्टेटमेंट बीसीसीआई की तरफ से नहीं आई, सारी स्टेटमेंट्स या पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी या पीसीबी की तरफ से आ रही थी। फिर कुछ दिनों पहले है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अखबार में यह खबर शाया होती है कि यस हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो गया है, बट इंडियन मीडिया वाज नॉट रेडी टू अग्री टू दैट फैक्ट। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे ट्रांजिशन होती गई, हाइब्रिड मॉडल सिलेक्ट हो गया, क्या लगता है आपको, दिस चेंज ऑफ थॉट या फिर ये चेंज ऑफ न्यूज, या वॉज समवेयर कहीं ना कहीं आईसीसी वॉज द मीडिएटर इन बिटवीन? नहीं नहीं, आईसीसी का इसमें आई डोंट थिंक सवेरा कोई भी लेना देना है। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ ये सुन के कि आईसीसी इंटरवीन करे। आईसीसी कुछ नहीं कर सकता, और मैं आपको बता दूं, अगर ये बात सिर्फ आईसीसी की होती कि आईसीसी धमकाता बीसीसीआई को, तो बीसीसीआई कभी मानता ही नहीं, कभी मानता ही नहीं। नहीं, धमकी की तो बात ही नहीं है, धमकी कैसे। और ये भी बड़ा स्टेटमेंट है, जय शाह ने अगर, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि जय शाह ने अगर कई महीने पहले एक बयान दिया था, आई थिंक दिसंबर में जी, तो कह रहे हैं कि ऑफिशियली अच्छी बात है या बुरी बात है, उन्होंने अगर बयान दिया और जून में आपके आके ये अनाउंस हो गया कि भाई हाइब्रिड मॉडल हो रहा है, तो उसमें आप मुझे बताइए कि अच्छा है या बुरा है? कसूर मीडिया का है, मीडिया बोथ साइड्स, दोनों तरफ की मीडिया। और इस तरफ देखिए, बयान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही आते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये भी कहा हुआ है, बाय द वे मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर हाइब्रिड मॉडल होता है एशिया कप, तो जी वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल होगा। सो क्या मैं ये मान लूं कि जो नजम सेठी साहब ने कहा है या पाकिस्तानी मीडिया ने भी कहा है, क्यों मैं देखता रहता हूं पाकिस्तान के सारे जो रिएक्शंस आ रहे हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि एशिया कप अब चूंकि हो रहा है और हाइब्रिड मॉडल में हो रहा है, तो वर्ल्ड कप अभी भी पाकिस्तान क्या बांग्लादेश में ही अपने मैचेस खेलना चाहता है, और आपको लगता है कि ऐसा होगा? मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं। नहीं विक्रांत, ड्राफ्ट जो है, देखें जो मेंबर्स जो थे उनको ड्राफ्ट आईसीसी ने भेजा था थर्सडे, यस्टरडे वाज द लास्ट डेट जिस पे किसी भी अगर बोर्ड को कोई रिजर्वेशन होती तो वो बोर्ड अपनी रिजर्वेशंस रिकॉर्ड करके वापस भेजता। एंड एज फार एज माई सोर्सेज टेल मी के कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं कही गई है, एक शायद ट्रैवलिंग की वजह से, शायद किसी एक वेन्यू की बात हुई, एंड दैट इज नॉट अहमदाबाद, यानी अहमदाबाद पे भी कोई रिजर्वेशन ही शो की गई है फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। बट बहुत वैलिड बात की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेठी साहब ने कि अब कौन सी गवर्नमेंट उस वक्त होगी और उस गवर्नमेंट का क्या स्टांस होगा, वो जाहिर सी बात है हमें वक्तन उस वक्त पता चलेगा। वो बीसीबी के हाथ में नहीं है, एक चीज में विक्रांत, बीसीबी के हाथ में नहीं है, मैं जानता हूं, मैं वही कह रहा था कि अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि भाई पाकिस्तान विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया, सपोज आपकी गवर्नमेंट ये कह दे कि पाकिस्तान को हम वर्ल्ड कप जाने की इजाजत नहीं दे रहे, तो उस सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या स्टैंड होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्या वर्ल्ड कप स्किप कर देंगे? इसके अलावा शायद कोई चारा नहीं होगा फिर, बिकॉज यही वो चारा तो है, वही कह रहा हूं, कोई चारा देने तो नहीं। मैं आपके सवाल पे मैं कह रहा था, क्योंकि आपने कहा जी बीसीसीआई ने एक बयान दिया दिसंबर में और एक अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी कि होगा, वो बेहतर है या हर 15 दिन में बयान देना बेहतर? नहीं नहीं, वो बिल्कुल बेहतर है कि आप एक दफा बयान दें और वो ही बयान जो है फिर आगे जाके उसको फॉर्मुलेट करें। गलती है इंडियन मीडिया की। मेरा पूछने का मतलब यही था विक्रांत, के जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, वॉज इट समवन जो बीसीसीआई में गलत इन्फॉर्म कर रहा था, मिसलीड कर रहा था मीडिया को, या ये मीडिया की अपनी वो कहते ना रीडिंग बिटवीन द लाइंस थी, बिकॉज आईपीएल के फाइनल से भी बाकायदा खबर निकली। हाँ नहीं, मुझे लगता है कि ये था कि 100% करेक्ट या 100% इनकरेक्ट मीडिया भी नहीं थी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि मतलब दिसंबर में सर्दी थी और जून में तो गर्मी है, तो इस दौरान
मौसम भी बदले हैं, ऑब्वियसली हवाएं भी बदली होंगी, हो सकता है बीसीसीआई का स्टांस शुरू में वही था कि नहीं जी हम नहीं होने देंगे हाइब्रिड, हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हो सकता है आईपीएल में जब तमाम क्रिकेट बोर्ड्स जो बाकी अलहदा क्रिकेट बोर्ड्स आए थे तो उनके सामने भी ये रखा हो गया हो कि नहीं जी हम हाइब्रिड नहीं, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है कि इस दौरान एशियन क्रिकेट काउंसिल के किसी मेंबर ने दोनों जय शाह और नजम सेठी साहब को बिठा के आमने सामने या जो भी है एक ऐसे सेटलमेंट पर लेकर आए हूँ जिसमें ये कहा हो गया विन विन सिचुएशन है, बिल्कुल विन सिचुएशन है और सबको फायदा है, हो सकता वो हो। सो मेरे हिसाब से तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया ना जी। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि मीडिया झूठ ही बोलता था और या यू नो सच ही बोलता था, बट आप भी जानती हैं, आप इतनी मतलब सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि स्टोरी कभी एक लाइन पे तो नहीं चलती ना, ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। बिल्कुल।